मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई में अतिथि शिक्षकों को बीते 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय का भुगतान लंबे समय से नहीं होने के कारण सभी शिक्षक परेशान हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के पूर्व बीते सितंबर माह को महापंचायत बुलाकर अतिथि शिक्षकों के हित में विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई थी, जिसका पूर्ण रूप से अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है और बीते 4 महीने से अतिथि शिक्षकों को उनका वेतन भी नहीं मिल पाया है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ शाहनगर ने जमकर नारेबाजी करते हुए सीएम यादव के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई करवाए जाने की मांग रखी। पवई से संवाददाता अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। हम लोगों की 4 महीने से वेतन निलंबित है, वो वेतन को शीघ्र से शीघ्र प्रदान किया जाए और जो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी हम लोगों के लिए उनको शीघ्र से कराया जाए, मतलब कि हम लोगों को लाभ दिया जाए। नियमितीकरण के संबंध में जो घोषणाएं हुई थी उनको शीघ्र कराया जाए ताकि हमको इनका लाभ मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सितंबर 2023 को हमारी अतिथि शिक्षकों की महापंचायत राजधानी भोपाल में बुलाई थी, जिसमें उनने कुछ हमारे हितों के लिए कुछ घोषणाएं की थी, जिसमें कुछ आरक्षण का लाभ दिया जाना शामिल है और गुरुजी की तरह पात्रता परीक्षा लिया जाकर हमारे नियमितीकरण की दिशा में भी कुछ सार्थक प्रयास करने की उन्होंने बात कही। तो आज की स्थिति है वर्तमान की, उसमें केवल हमारे मानदेय दोगुना किए जाने संबंधी विभाग ने आज दिनांक तक आदेश जारी किया है और जो उनकी अन्य सभी घोषणाएं हैं उनके आदेश चूंकि आज दिनांक तक जारी नहीं किए गए हैं, तो हमने SDM साहब को यही ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया है कि जो भी 2 सितंबर की घोषणाएं हैं उनके आदेश शीघ्र से शीघ्र जारी कराने की कृपा की जाए।